नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के नजदीकी गांव थूही के नजदीक स्कूटी सवार एक महिला को ट्रैक्टर ट्राली ने मारी फेंट, हुई मौत। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने दो गैंगस्टर्स को किया काबू। अमृतसर के कचहरी चौक के नजदीक एक मिनी बस और क्रेटा कार में हुई टक्कर, क्रेटा कार बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और ओवरलोड वाहनों के चलते हर दिन कई कीमती जानें मौत के मुंह में जा रही हैं, जिसकी ताज़ा घटना घटी नाभा ब्लॉक के गांव थूही के नज़दीक, जहां फैक्ट्री में अपनी स्कूटी पर सवार होकर काम करने जा रही एक महिला को ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने फेंट मार दी, जिस कारण महिला गंभीर घायल हो गई, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका परवीन कौर अपनी पीछे दो छोटी छोटी बच्चियां छोड़ गई हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ये जिहड़ा लड़का सी साडे नाल ड्राइवर उहदी घर वाली आ, इह उत्थे कोई अंडिआं दी फैक्टरी आ, उत्थे चाह दी कंटीन विचारी करदी। इधरों स्कूटी ते जा रही सीगी, उधरों ट्राली इट्टां वाली आ रही सी भरी हुई, उहदा नाल जिहड़ा एक्सीडेंट अचानक हो गया। हुण कि डैथ हो गई? हुण डैथ हो गई। बेचारे दो बच्चे ने, दो लड़की ने, इकल्ली उरे रहि रही है दोए जी। पिछोकड़ दा इहदा इधर मेरा ख्याल फिरोजपुर साइड पर, इधर ही साइड दी। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਚਾਰਾ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ? ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ, ਇਹਦੀ ਰਬਜਾਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਤੇ। ਆਪਣੇ ਥੋਹੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਟਰੈਲੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟਰੈਲੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਥੂਹੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨਾਭੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਥੂਹੀ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇੱਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੱਠੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੌਤ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और गैंगस्टरों के बीच खरड़ के नज़दीक गत रात्रि लगभग 1 बजे मुकाबला हुआ। इस दौरान नाकाबंदी के चलते एक I-20 गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं रुकी। इस दौरान गैंगस्टरों की ओर से पुलिस पर गोलियां भी चलाई गई, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई और दोनों गैंगस्टरों को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद उन्हें काबू कर लिया गया। खरड़ से हलचल के लिए अश्विनी गौड़ की रिपोर्ट। अमृतसर के रानी का बाग इलाके में कचहरी चौक के नजदीक एक मिनी बस और क्रेटा कार में भीषण टक्कर हो गई, जिस कारण क्रेटा कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस में सवारियां भी मौजूद थी। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि मिनी बस और क्रेटा कार का एक्सीडेंट हुआ है। बस की बैक साइड लगने के कारण क्रेटा कार का काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल वे मामले की जांच कर रहे हैं, जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। की होया ते कीड़ी कार? क्रेटा कार ते बस अगे पीछे आ रही सी, इसी साइड तो राइट साइड तो ही आ रही सी। ओके, कार अगे सी, बस वाले दे मगरों बैक साइड ला के
ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਬੱਸ ਦੀ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਓਨਰ ਬੁਲਾਏ ਆ ਦੋਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਓਨਰ ਬੁਲਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਵੀ। गत दिनों जम्मू कटड़ा हाईवे पर अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही बस खाई में गिर जाने के कारण 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। बस में 75 के करीब यात्री सवार थे, जिनमें अमृतसर के यात्री भी मौजूद हैं, जिनकी हादसे में मौत हो गई है। बाकी लोग बिहार के हैं। वहीं मृतकों की देहें गत रात्रि अमृतसर फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर पहुंची। मृतकों की देहें अमृतसर पहुंचने पर इलाके में गमगीन माहौल था और पारिवारिक सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल था। पीड़ित परिवार ने बताया कि अमृतसर के 2 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोग बिहार के थे। अमृतसर के 1 नौजवान और 1 महिला की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि 7 के करीब लोग गंभीर घायल स्थिति में हैं, जो कि जम्मू के अस्पताल में दाखिल हैं। उन्होंने कहा कि 5 लोग अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाए गए हैं, जहां पर 1 बच्चे की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। वहीं उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि जम्मू सरकार द्वारा मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों के परिवारों को 50-50 हज़ार रुपए दिए गए हैं, इसलिए उन्होंने पंजाब और बिहार सरकार से भी मुआवजे की मांग की है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा कोई पता नहीं चला कैसे हुआ नहीं हुआ, मेरा कोई पता नहीं चला। जब गाड़ी खाई में गिर गया तब मेरा पता चला। अमृतसर के कितने थे जो जिनकी डेथ हुई है? अमृतसर के तो 2 डेथ हुआ, मेरा बेटा है। बाकी जिनकी डेथ हुई थी जो यूपी के थे? और मेरा चाचा चाची सब बिहार का। मेरा सभी सुरक्षित चाहिए, बस सुरक्षित चाहिए, सहायता चाहिए, सहायता चाहिए। ये ललिता है, ललिता का बेटा है उसका, दोनों लाव कल यहीं का। कैसे हुआ? और बस से हुआ। किसकी गलती? ड्राइवर की? अभी ये नहीं पता ड्राइवर की गलती है कि झोंका लग गया क्या लग गया, तो समय का इंसार से बताएगा। कितने लोग हैं? लोग उसमें 75 आदमी था। दस आदमी का, 10 आदमी का मौत है, बाकी आदमी जख्मी है। उसमें से 6-7 आदमी ज़्यादा सीरियस है। 6 आदमी वहाँ पर है जम्मू में, 5 आदमी यहाँ गुरु नानक हॉस्पिटल में है। जो गुरु नानक हॉस्पिटल में है वहाँ कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, उसको बोल रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए, यहाँ इलाज नहीं होगा। जो मुझे खबर आया, टेलीफोन आया, अब ये नहीं पता ऐसा ट्रीटमेंट उनके पास है नहीं है, तभी ना बोल रहे हैं कि बाहर ले जाइए। मांग है कि हमारे सभी आदमी से है कि हमको मदद मिले। अब इतनी छोटी मोटी दुर्घटना तो है नहीं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। हमारे पंजाब सरकार से मिले, बिहार सरकार से मिले, जो हमारे जम्मू सरकार था वो कुछ दिए हैं सभी आदमी को, 6-7 आदमी 50-50 हज़ार रुपया दिए, बाकी जो मौत हुई उनको 5-5 लाख रुपया दिए। अमृतसर के कस्टम चौक में एक हाई वोल्टेज ड्रामा उस समय देखने को मिला जब एक निहंग सिंह द्वारा गुरुद्वारा टाहली साहब की बलैरो गाड़ी चलाई जा रही थी। इस दौरान उसके द्वारा कस्टम चौक में 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी गई और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद वायरलेस के माध्यम से अगले चौक पर सूचना दी गई और पुलिस ने अगले चौक पर निहंग सिंह को घेर लिया। इस दौरान कार का मालिक भी पहुंच गया, तो वहीं सड़क पर पुलिस के सामने ही निहंग सिंह ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और एक बार फिर से भागने की कोशिश की, और लेकिन पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई। इस मौके पर ASI हरनेक सिंह ने कहा कि वे मौके पर पहुंचे हैं और जांच कर रहे हैं, जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई गाड़ी के मालिक राहुल ने कहा कि वे गुरुद्वारा टाहली साहिब की कार सेवा वाली गाड़ी थी, जिसे एक निहंग सिंह चला रहा था और वह गाड़ी को बहुत गलत ढंग से चला रहा था। उस निहंग सिंह ने उसकी गाड़ी को बुरी तरह से टक्कर मारी, जिसके चलते उसकी गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया है।
और उसके बाद वह एक और गाड़ी को टक्कर मारकर भाग गया, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया है। तो वहीं निहंग सिंह मीडिया कर्मियों के साथ बहसबाजी करता हुआ भी नजर आया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरी ऑडी गाड़ी है, ऑडी A4। सीधा रास्ते पे आ रहा था, पीछे से ये बहुत तेज आए हैं, गाड़ी ठोकी पीछे से, फिर थोड़ा सा आगे गए, आगे होंडा सिटी थी उसको मारा, वो फिर इतनी तेज मारा कि वो टर्न करके मेरे पे लगी। फिर आगे से भी गाड़ी इन्होंने ताई तोड़ दी और पीछे से भी तोड़ दी है। ये लारेंस रोड चौक पे ही है पीछे। क्या बहस भी हुई आपको? बिल्कुल बहस हुई है, बट वो मानने को तैयार नहीं है, कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। वो तीन से चार गाड़ियां ठोक चुके हैं। किनकी गाड़ी है? इनकी मरुति है, निहंग है, इनकी बलिनो है गाड़ी। कार सेवा वालों की गाड़ी है। कितने लोग हैं? दो लोग गाड़ी है, गाड़ी एक बंदा चला रहा है और दो एक साथ बैठा है। पुलिस पहुंची हुई है बट अभी कुछ हो नहीं रहा। इतने गड्डिया आपस लंघते समय लग गई, तस्दीक आ रहे हैं, जो अभी तफ्तीश जारी है, जेड़ा गलत होया कानूनी कार्रवाई। दो गड्डिया लगियां आपस कार सेवा वालिया दी, उन्हों का बाबा जी का बेटा वा, काला साहब के गुरुद्वारे उन्हों का बेटा वा। ये नहीं मैंने पता, मैं जो आया मेरे सामने किसी की बहस नहीं हुई। कोई भी गल आ जे कानून के हिसाब ना वेख्या जाए, कानून के हिसाब ना दूजिया दोवे गड्डिया वेख लो, मेरे वाली वेख लो, ठीक जी, भी गलत केड़ा वा। जे मैं गलत हाँ तो मैं सजा दी जाए, मैं भाईदा नहीं गा। पंजाब पुलिस की ओर से पंजाब भर में ऑपरेशन कैसो चलाया गया, जिसके तहत अमृतसर में पंजाब पुलिस की ओर से थाना गेट हकीमा के इलाके अनगढ़ और फतेह सिंह कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीमों की ओर से प्रत्येक घर की तलाशी ली गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP अश्विनी कुमार अत्री ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों पर जिन क्रिमिनल लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनके घरों में रेड की जा रही है। उन्होंने बताया कि फतेह सिंह कॉलोनी के 5 घरों में रेड की गई है, लेकिन वहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनके इलाके में कोई नशा बेचता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए, पुलिस विभाग की ओर से सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जिन्होंने खिलाफ मुकदमे दर्ज है गया उन्होंने घर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ, हूँ तक तकरीबन असी 5-6 घर सर्च कर चुके हैं और हूँ असी एक गुरप्रीत नाम के घर अं सर्च करके आए हैं। उन्होंने घरों कोई इलीगल चीज़ तो नहीं मिली हैगी, पर फिर भी असी बाकी जो घर रेंदे है वो रूटीन चैकिंग जा रहे हैं। ये फतेह सिंह कॉलोनी के आए हुए हैं, इतने जो घर है फतेह सिंह कॉलोनी जिन्हों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है उन्होंने घर असी सर्च अभियान चलाया हुआ। ਅਸੀਂ ਅਨਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਈ। ਜੰਮੂ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਮੇਂ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਕਰ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਪੰਡਿਤ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੇ ਸਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਥਾ ਟੇਕਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਬੱਸ ਮੇਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੋਏ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਕੁਛ ਜਾਗ ਰਹੇ ਥੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇਨ ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਿਰ ਗਿਆ और चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अचानक बस का एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पंडित रविंद्र पांडे ने बताया कि हो सकता है कि ड्राइवर की आंख लग गई हो जिस कारण ये हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि माँ भगवती ने ही उन्हें बचाया है, इसलिए वे उनका आभार व्यक्त करते हैं जिनकी कृपा से वे जिंदा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर तो गाड़ी तो रजी खुशी चल रही थी, लोग सब खुश थे, कुछ सोए थे, कुछ जगे भी थे। एकाएक हमने अनुभव किया कि मेरे ऊपर शीशा गिरा है, तो हमने सोच लिया कि बस कहीं टक्कर मारी है, चाहे जिस चीज़ में मारी हो। उसके बाद तो फिर बस पलट गई, लोग अफरा तफरी करने लगे, जिनको ज़्यादा चोट आई वो कराहने लगे। उसके बाद हम देखे कि दो आदमी निकल रहे हैं खिड़की से, शीशा टूटने से, उसी शीशा टूटने के खिड़की से मैं भी सोचा कि मैं भी निकल जाऊं।
भगवती का कृपा था महारानी का, जो हम भी निकल गए। उसके बाद रोड पर गए तो अफरा तफरी देखा, कुछ लोग इधर कर रहे हैं। उसके बाद देखे कुछ लोग दौड़ गए उस जगह के पड़ोस के लोग, वो हेल्प करने लगे, गाड़ी से निकालने लगे लोगों को। यही तो था माहौल। तुमने देखा काफ़ी मुश्किल से निकाला है लोगों को गाड़ी से, जी गाड़ी काटने भी पड़ी है गाड़ी। वो तो मैं दिखाने के काटा गया गाड़ी। तो कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों को चोट लगी थी जब आप? हम तो हम देखा 7 आदमी का लाश तो हमने देख लिया था, और कितने की हुई वो गिनती तो मैं करने के लिए उस जगह नहीं रहा। क्या लगता है कारण क्या रहा होगा? कारण तो अब परमात्मा जाने, ड्राइवर का ही गलती कहा जाएगा, या तो झपकी में था, रूट भी उसने बदल दिया था, कटरा का रूट पकड़ लिया जबकि वैष्णो देवी का रूट कहीं से अलग फूट गई है। अब झपकी आ गई, क्या हुआ सर ये तो मैं बता नहीं सकता। कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो माँ के रिश्ते से बड़ा हो। आज हम आपको ऐसी ही एक माँ से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी 2 बेटियों के साथ मिलकर एक छोटा सा ढाबा चला रही है। बता दें कि परिवार की दिक्कत की वजह से वे अपने परिवार से अलग रहती है और अपने बच्चों के साथ मिलकर अपना गुजारा कर रही है। उनका मानना है कि जिंदगी में जो मिले इंसान को उसमें खुश रहना चाहिए और मुसीबतों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस दौरान हमारी टीम से बातचीत करते हुए सीमा ने कहा कि पिछले 16 वर्षों से वह काम कर रही है। पहले वह टिफिन बॉक्स का काम घर से करती थी और काम अच्छा चलता था, लेकिन लॉकडाउन के समय उनका काम बंद हो गया था। एक बार हालात फिर से खराब हो गए थे, लेकिन बेटियों का हौसला था तो हमने 3 वर्ष पहले मिलकर एक छोटा सा ढाबा शुरू किया और आज वह अच्छा चल रहा है। उसकी बेटियां भी उसके काम में मदद करती हैं और पढ़ाई भी करती हैं। जब वे स्कूल से घर वापस आती हैं तो उसकी मदद भी करती हैं। उसकी इस दुनिया में उसकी बेटियों के अलावा कोई भी नहीं है और वे एक दूसरे का सहारा हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। की नाम की है? मेरा नाम सीमा। बच्चियों का नाम क्या है? एदा पलक है, एदा मुस्कान है। अभी देख रहे थे काफी दिनों से इसे ढाबा चला रहे हो, आने हैं लड़के, कदों तो चला रहे हो, तो एक कारण की है कि? मतलब पहला मेरा टिफिन का काम सी लॉकडाउन दे विच, मतलब काम कार खत्म हो गया, फिर उस तो बाद रेहड़ी ला ली मैं। 3 साल हो गए, मतलब फिर काम कार मतलब घर का घर तो चलाना ही है, घर की प्रॉब्लम करके फिर कमाने वाली तो मैं ही है ना कल। फिर घर मजबूरियां, मतलब जो कल अपने आप बच्चों पालना, फिर बाहर तो निकलना ही पैना, जो आप नहीं कमावे अपने बच्चों लिए तो फिर कौन कमाएगा। दिक्कतां तो बहुत आंदियां जे अपने मतलब मजबूरी दे विच आप पालना ते अपने बच्चे आप पालने ते बहुत मतलब परेशानी दा, मतलब कई बहुत ऐदां दियां मजबूरियां आंदे बंदे नूं अपने आप ही चलना पैंदा। मैनू 15 साल हो गए काम कर रही हूँ। अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने महाराष्ट्र के परभणी जिले के गांव उखलद में भीड़ द्वारा 3 सिख नौजवानों से की गई मारपीट की सख्त निंदा की है। जथेदार ने कहा कि ये बहुत ही दुखदायी घटना है, 3 सिख बच्चों के साथ भीड़ में बुरी तरह से मारपीट की गई है। इनमें एक बच्चे की मौत हो गई है और एक बच्चा बहुत ही गंभीर स्थिति में है, जिसे नांदेड़ साहिब के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि भारत में कम संख्यक लोगों पर हो रहे हमले चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि इन बच्चों का परिवार पशुपालन का काम करता है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि सरकार पीड़ित परिवार की मदद करे और दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। महाराष्ट्र के जिला परभणी के एक पिंड उखलाद के विच जिहड़ी घटना वापरी है, ये बेहद मंदभागी घटना है। 3 सिख बच्चों नूं भीड़ वल्लों बड़ी बुरी तरह बेरहमी दे नाल कुट्टिया जांदा है, ते उहनां दे विच्चों एक बच्चे दी जिहड़ी है ओह मौत हो गई।
एक बच्चा बड़ी गंभीर स्थिति दे विच है जिन्हों नांदेड़ साहिब सचखंड श्री हजूर साहब के एक हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। मैं समझदा कि भारत दे विच घट गिणतियां दे उत्ते ये हमले बड़ी चिंताजनक है। जिहड़ी नांदेड़ साहिब तों जानकारी प्राप्त होई है उस मुताबक कि ये जिहड़े लड़के सी बच्चे सी इन्हां दे परिवार सी ये सूर पालन का काम जिहड़ा करदे सी, क्योंकि उस इलाके दे विच बहुत सारे तिकलीगर सिख परिवार जिहड़े है वह सूर पालन का धंधा करदे है। तो सूर एक पिंड दे विच चले जाते हैं, जानवर है कितने भी जा सकता है, तो वह पिंड जिहड़ा है वह मुसलमान भाईचारे का जिहड़े सूर नूं चंगा नहीं समझते, तो उतों ही इन्हां दी जिहड़ी तकरारबाजी हुई। तो तकरारबाजी के दौरान उन्होंने इन्हां तीन बच्चों नूं बड़ी बुरी काम तरह बेरहमी के नाल ही जिहड़ा कतल किया। भारत सरकार नूं असीं अपील करते हैं कि भारत के अंदर जिहड़ियां घट गिणती कौमां ने खास तौर पर असीं सिख, क्योंकि मिनोरिटी जिहड़ी है वह मनी जाती है जिहड़ी कुल प्रतिशत का 2% हो। फिक्की फ्लो अमृतसर की ओर से हिमानी अरोड़ा की अध्यक्षता में समाज में किशोर धूम्रपान और वेपिंग के गंभीर मुद्दे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिमानी अरोड़ा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता पर जोर देना है। तो वहीं इस कार्यक्रम में स्नेह खुराना ने कहा कि इस कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को धूम्रपान और वेपिंग जैसे नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रेरित किया गया है और युवा पीढ़ी को इन हानिकारक आदतों के खिलाफ एकजुट किया गया है। उन्हें एक उज्जवल भविष्य के लिए अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर रवनीत सिंह ग्रोवर ने भी धूम्रपान और वेपिंग के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर आए हुए मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज का प्रोग्राम वर्ल्ड नो टोबैको डे पे हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया है आज, जिसको हम आगे भी लेके जाएंगे। आज हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि हम एंटी वेप्स उनको एक लेक्चर दिलवा रहे हैं फ्रॉम द पल्मोनोलॉजिस्ट मेडिकेड हॉस्पिटल डॉक्टर अवनीत ग्रोवर, एंड वी हैव ऑन आर पैनल डीसीपी वत्सला हेडक्वार्टर्स, एंड वी हैव सनय खुराना द फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट सांस, एंड ऑल्सो वी हैव आर मॉडरेटर डॉक्टर सिमरप्रीत संधू। और इस टॉक से या इस डिस्कशन से आई थिंक बच्चों, अगर हम इतने सारों में से 10 बच्चों को भी ड्राइव कर सके इस चीज़ को ना यूज़ करने का एंड कुछ ऐसे बैन करने का, तो आई थिंक वी आर विक्टोरियस। हाँ जी, मैं डॉक्टर रमीत ग्रोवर, चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज फिक्की फ्लो ने वर्ल्ड नो टोबैको डे के उत्ते एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया है। इस प्रोग्राम के वेरियस एक्सपर्ट्स बुला के स्कूल स्टूडेंट्स जनरल पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश की है कि जी स्मोकिंग है या तंबाकू है और साढ़े शरीर वास्ते कितना हानिकारक है। इस दे विच असी ज़्यादा एम्फेसिस किया है वेपिंग, जिहड़ा कि सिगरेट तो इलावा स्मोकिंग का एक नवा सिस्टम है जिहदे विच अलग अलग डिवाइसिज ई सिगरेट्स वगैरह यूज करके बच्चे स्मोकिंग करते हैं या हुक्का यूज करके स्मोकिंग करते हैं। सो एक ऐसी एक मीटिंग दौरान बिल्कुल क्लीयर ते स्पष्ट किया है कि जिस तरह की मर्जी स्मोकिंग होवे, हुक्का होवे, ई सिगरेट होवे, इस सेहत वास्ते बहुत ही हानिकारक है। संयुक्त किसान मोर्चे और अलग अलग भारतीय किसान जत्थेबंदियों की ओर से देश भर में पहलवानों के हक में सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत नाभा में भारतीय किसान यूनियन डकोंदा और अलग अलग भारतीय जत्थेबंदियों द्वारा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट।
जी अज जड़ाया संयुक्त मोर्चे की कॉल तहत जड़ियां देश दी वख-वख किसान जथेबंदियां औरत जथेबंदियां ट्रेड यूनियंस ते स्टूडेंट औरतां सारियां वल्लों सांझे तौर ते अज प्रदर्शन देश पद्धर ते कीते जा रहे ने ते नाभे दे अंदर यह भारतीय किसान यूनियन एकता डकाउंदा हरावल दस्ता ग्रुप पंजाब स्टूडेंट यूनियन गैस एजेंसी वर्कर यूनियन डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट इस्त्री जागृति मंच जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी इन्हां सारे जथेबंदियां वल्लों जिहड़ा आ सांझे तौर दे उत्ते इह प्रोग्राम अज कीता गया आ ते इहदे विच जिस तरह के नाल मोदी सरकार ने साडे देश दीआं उन्हां धीआं दी जिहड़ी गल सुणन दी बजाए पुलिस जबर दे राहीं उन्हां नूं जिहड़ा जिस तरह नाल धरना उठवाया गया दूजा देश के लोगों का जिहड़ा संविधानिक हक आ कि जे उह गलत के खिलाफ बोल सकदे आ उन्हां नूं जिस तरह के नाल कुचलिया गया उस सारे संघर्ष नूं ते जिस बंदे दे उत्ते पॉक्सो का एक्ट लग्या होया 8 नाबालिग लड़कियां ने उन्हें उत्ते केस दर्ज कराया उन्हूं जिहड़ी फॉरन गिरफ्तार करन दी बजाए जिहड़े अज हक मंग रहे ने उन्हां दी गिरफ्तारियां करके मोदी सरकार ने फिर तो यह साबित करता कि उह बलात्कारियां दी जिहड़ी आ पिट्ठ दे उत्ते खड़ी हुई देखो यह असर इस तरह नाल जाऊगा कि देश दे अंदर जिथे पहला ही जे खिडारियां ने इस लाइन दे विच जाना साडे देश दे अंदर कोई चंगी खेड व्यवस्था नहीं है ते जे उस दे विच लड़कियां ने जाना तो उन्हां दे वास्ते चैलेंज होर भी वड्डे ने पर जदों साडे देश दे ना चमकाउण वाले ओलंपियंस दे नाल मोदी सरकार ने यह हशर कर रही आ तां कोई भी सोचूगा कि इस देश दे अंदर असीं कुछ मर्जी कर लईए साडी इस देश दे अंदर की कीमत ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਲ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ MLA ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ संयुक्त मोर्चे की कॉल पर किसान संघर्ष कमेटी की ओर से जीरा के क्लॉक टावर चौक में केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया और नारेबाजी की गई। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली जंतर मंतर धरने पर बैठी पहलवान महिलाओं को जबरदस्ती पुलिस का सहारा लेकर वहां से उठाया गया है, जिसके विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह धक्केशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मैं किसान संघर्ष कमेटी पंजाब का जिला प्रधान सुखदेव सिंह राइयावाला और संयुक्त किसान मोर्चे की दिती हुई कॉल से जिहड़ा कि दिल्ली के जंतर मंत्र के धरने के चल रहा है पहलवाना का धरना, उसके संबंध में जो मोदी सरकार ने पिछले दिन संसद के उद्घाटन करने वाले दिन साढ़े पहलवाना और साढ़े जेडे मैडल जित के लिया आ जो उन्होंने तश्त करके बीबिया के बंद उन्होंने ठाता और उन्होंने झूठे परचे करके अंदर किया, उस विरुद्ध में संयुक्त किसान मोर्चे की दिती हुई कॉल से अब मोदी सरकार का और बिरध भूषण का पुतला फूकया गया। अनिल बागी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने श्री रामबाग वृद्ध सेवा आश्रम के सहयोग से सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्री रामबाग फिरोजपुर छावनी में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, जिसमें ABH सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों डॉक्टर तेजेंद्र भल्ला, डॉक्टर हरिंदर सिंह छाबड़ा, डॉक्टर गुरनाम सिंह और डॉक्टर सभ्या गाबा की ओर से मरीजों की जाँच कर उन्हें निःशुल्क चिकित्सा परामर्श भी दिया गया। इस दौरान लगभग 200 मरीजों की जांच भी की गई। शिविर में आए सभी मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी दी गई। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर तेजेंद्र भल्ला, मैं बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डियां का गोडियां का सर्जन हाँ, तो मैं जोड़ रिलेटेड हड्डियां रिलेटेड प्रॉब्लम्स नाल डील करता हूँ। मैं हुण तक अराउंड 20 पेशेंट देख चुका है, मेरे को 90 पेशेंट की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। ये कैंप श्री रामबाग वृद्ध आश्रम के सहयोग के नाल अनिल बागी हॉस्पिटल वालों लगाया गया है और ये कैंप श्री रामबाग दे विच लगाया गया हुआ है और इस कैंप दे विच 4 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पेशेंट्स देख रहे हैं, जिन्हां दे विचों
जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर तजिंदर भल्ला ने जो कि हड्डियाँ और जोड़ों के माहिर ने, फिर पेट तो जिगर के माहिर डॉक्टर हरिंदर सिंह ने, पेशाब के नाली के जेडे पत्थरी होंगी है या गुर्दे की पत्थरी के जेडे पेशेंट गदूदा के पेशेंट होंगे ने उन्होंने रोगों के माहिर डॉक्टर गुरनाम सिंह जी ने साढ़े नाल, और जनरल मैडिसिन के डॉक्टर हरिंदर सिंह जी ने साढ़े को जो इस वे पेशेंट देखने हरजिंदर सिंह और इस दे विच असी देखो जी हड्डियां नू चेक करन दा जिहड़ा एक टेस्ट हुंदा जिहदी कीमत कोई 2500 रुपए लगती है मार्केट दे विच, असी उहदे विच हड्डियां दा कैल्शियम चेक करन दा टेस्ट हुंदा उह असी इत्थे फ्री कर रहे हां, उहनू असी BMD टेस्ट कहिंदे हां। श्री चिंतपुर्णी मंदिर ब्रह्म अखाड़ा प्रबंधक कमेटी की तरफ से माता चिंतपुर्णी जी के 99 मूर्ति स्थापना दिवस व निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में श्री चिंतपुर्णी मंदिर विक्रमपुरा में मेले के उपलक्ष्य में महामाई की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदीप पुजारी एंड पार्टी ने महामाई की पक्की भेंटे गाकर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से मां की चुनरी देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सेवादार श्यामलाल चड्डा, अजय लाली, सोनू शर्मा, समीर पुरी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। श्री बेलकला मंदिर तो दैनिक सवेरा तो साढ़े बहुत ही शीतल देवी महाराणी के सेवादार महाराणी के तुम्हें आशीर्वाद लैके आए हैं और असी सारी मंदिर कमेटी वालों और जितने भी साढ़े संतों महंत आए हैं पूरे पंजाब तो असी बहुत जी का शीतल देवी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महाराणी इस तरह उन्होंने अपनी कृपा रखे और अपने चरणा का लगा के रखे गुरु से दरबार की माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त मंत्र माला जाप कर मुख्य यजमान अमरेंद्र कुमार शर्मा से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोग भौतिक युग में नैतिक दायित्वों को छोड़कर गलत कार्यों में व्यस्त हो गए हैं।
वहीं उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन सदा माया के पीछे भागता है। यदि हमने उस मन को माया से मोड़कर सद्मार्ग की ओर लगा दिया तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस अवसर पर समीर कपूर, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, नीरज कपूर, संजीव सौंधी, प्रदीप शर्मा, धीरज, बलजिंदर सिंह, प्रिंस कुंडल, रोहित भाटिया, बलवंत बाला, मुनीश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मोहित, अशोक शर्मा, दिशांत शर्मा, बाबा खन्ना, लवली, गोपाल मालपानी, अश्विनी शर्मा, संजीव शर्मा, मुकेश चौधरी, अमरेंद्र सिंह, गौरव जोशी, संजीव सांवरिया, यज्ञदत्त, रॉकी, बाबा जोशी, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, मानव शर्मा, राजीव, अभिलक्ष्य चुग, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, सुनील जग्गी और प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जिकारा बगलामुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। आज मां बगलामुखी धाम जो कि गुलमोर सिटी लम्मा पिंड चौंक के नजदीक स्थित है, मां दे सभव्य मंदिर दे विच जिहड़ा दिव्य हवन यज्ञ हर गुरुवार नूं कीता जांदा है, अज भी उहदी इक लड़ी जिहड़ी है उह चलदी रही। महामाई की कृपा दे नाल बहुत आशीर्वाद और बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। मैं सारे भगतां नूं, सारे सेवादारां नूं एक करवत प्रार्थना करनी चाहना कि हर गुरुवार नूं और हर शनिवार शाम नूं 7 to 8 और हर गुरुवार नूं सवेरे मतलब कि वीरवार सवेरे 6:30 to 7:30 और शनिवार 7 to 8 एक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुंच के महामाई के दरबार से महामाई के चरणों च अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो, अपनियां भावनावां अर्पित करो और मां तो अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि जिहड़ा मासिक अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन हर महीने के आखिरी रविवार को किया जाता, इस बार 25 June दिन रविवार को शाम 6 बजे तो लैके महामई की इच्छा तक हवन यज्ञ जारी रहेगा। आप सब नूं करवत प्रार्थना है कि वध तो वध संख्या च महामई के दरबार से पहुंच के आप ये जिहड़े हवन यज्ञ दे विच आहुतियां डालो और अपना जीवन सफल करो। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा के नजदीकी गांव थूही के नजदीक स्कूटी सवार एक महिला को ट्रैक्टर ट्राली ने मारी फेट, हुई मौत। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम ने 2 गैंगस्टर्स को किया काबू। अमृतसर के कचहरी चौक के नजदीक एक मिनी बस और क्रेटा कार में हुई टक्कर, क्रेटा कार बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। के साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।